हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखते हैं ग्राफ पेपर, इसे भी ये भी कहते हैं डिजाइन पेपर। ओके, ग्राफ पेपर और डिजाइन पेपर कहते हैं। एक्चुअली हमें ये भी नहीं पता होता है, कई बार ग्राफ में हम वीव डाल रहे हैं, जैसे अप डाउन कर रहे हैं, तो वो किस हिसाब से करते हैं, एक्चुअल मेन मीनिंग क्या है इस ग्राफ पेपर का, तो वो देखते हैं इस वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर दीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलते हैं, अभी अपना इस ग्राफ पेपर के बारे में समझते हैं क्या है। तो इसी से डिजाइन बनती है ना। तो ये देखिए, इधर ये जो वर्टिकल लाइंस जो है, ब्लैक लाइंस, इसे हम बोलते हैं वार। जो ये स्पेसेस, जो ये एक ब्लैक लाइन, ये ब्लैक लाइन के बीच में जो है स्पेस है, इसको हम कहते हैं वार। जैसे ये वार का डायरेक्शन दिखा रहा है, और ऐसे ही ये वेप्ट का स्पेस, जो स्पेस है ब्लैक लाइन के बीच में जो स्पेस है, इसको हम वेप्ट बोल सकते हैं, वेप्ट ही बोलते हैं। तो इसको वार्प और वेप्ट, वार्प इज वार्प लेंथ रहेगा, और वेप्ट जो है हॉरिजॉन्टल रहेगा। ओके, अब इन दोनों चीजों को मिला के ये ग्राफ पेपर बनाया गया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस को भी मिला लिया और वर्टिकल लाइंस को भी मिला लिया। इसका मतलब क्या है, जो बीच में स्पेस है व्हाइट ब्लैक कलर के लाइन, ये भी ब्लैक कलर की लाइन, इसके बीच में जो ये व्हाइट पोर्शन जो है, इसे हम वार्प कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर इन दोनों लाइन्स के, ब्लैक लाइन के बीच में जो है, इसको वेप्ट कहते हैं। तब ये दोनों हम मिलाते हैं तो ये छोटे छोटे स्क्वायर बन जाते हैं। जैसे वर्टिकल लाइन्स को भी मिला लिया, ओके, ऐसे, और हॉरिजॉन्टल लाइन्स को भी मिला लिया, तो यहाँ पर ये बन गया है, जो छोटे छोटे स्क्वायर्स बन गए है ना, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने। इसका मतलब क्या है, मतलब ये वार्प को भी हमने मिला लिया एक स्क्वायर में, और वेप्ट को भी मिला लिया, दोनों मर्ज हो गए, दोनों मिक्स हो गए यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें ऐसे रीड करना होगा, वार्प और वेप्ट दोनों है एक स्क्वायर में, एक स्क्वायर में वार्प और वेप्ट दोनों ही है। ओके, तो इस वार्प और वेप्ट को हम अप डाउन कैसे करते हैं, राइट, अप डाउन करेंगे तब भी कपड़ा बनेगा, तो अप डाउन किस हिसाब से करते हैं, अप का मतलब क्या है और डाउन का मतलब क्या है, ये चीजें देखते हैं। अप का मतलब है वार्प अप, डाउन का मतलब है वार्प डाउन। हम हमेशा एक ही चीज को बोलते हैं, क्योंकि जो लूम पे वार्प लगी होती है, जो डॉबी या जकार्ड जो मैकेनिज्म है, वो अप डाउन जो भी करते हैं वार्प को ही करते हैं, वेप्ट को अप डाउन नहीं करते हैं, वेप्ट को डायरेक्ट हम हॉरिजॉन्टली इंसर्ट करते हैं, हॉरिजॉन्टली वीव करते हैं उसको। जैसे वार्प थ्रेड ऊपर नीचे हो जाते हैं एज पर डॉबी या जकार्ड, एज पर डिजाइन, सो हम वेप्ट को हॉरिजॉन्टली इंसर्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो भी अप डाउन होता है वार्प होता है, वेप्ट जो है हॉरिजॉन्टली आके बैठ जाता है इसके अंदर। ओके, तो हम जब भी बात करते हैं, अप मतलब वार्प अप, डाउन मतलब वार्प डाउन, ये चीजें हम फिक्स है, इसी से ही कपड़ा बनती है। सो अप डाउन तो है ही है, लेकिन अभी मैं अप बोल रहा हूँ, यहाँ पर वार्प अप बोल रहा हूँ, वार्प अप का मतलब वार्प आ गया अप। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, वेप्ट नीचे चला गया ना, इसके नीचे चला गया, इसके नीचे वेप्ट है, वार्प का नीचे वेप्ट है, क्योंकि एक स्क्वायर में दोनों वार्प और वेप्ट दोनों ही है। सो हम वार्प अप कर दिया है, तो वेप्ट नीचे है, और इस प्लेस पे, इस जगह पर वार्प डाउन, वन डाउन वन अप वन डाउन कर दिया है। सो यहाँ पर वेप्ट फेस साइड आ गया, मतलब हमें ये बोलने की जरूरत नहीं है, वन डाउन मतलब वार्प डाउन हो गया, ऑटोमेटिकली वेप्ट फेस साइड आ जाएगा। ओके, यही लॉजिक है। और इस ग्राफ पेपर में हम ये स्पेसेस जो बन रहा है, वार्प लाइंस
और वेब्ड लाइंस जो मिलके ये ब्लैक लाइन डिवाइड जो कर रहा है, स्क्वायर जो बना रहा है, इस पे हम अप डाउन करते हैं। जैसे अप का मतलब वार्प अप, डाउन का मतलब वार्प डाउन। सो स्पेसेस से ही हमें डिवाइड अप डाउन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मतलब ये जो है सेकंड वार्प सेकंड वेब्ड पे अप है, सेकंड वार्प सेकंड वेब्ड पे अप है, अप वार्प अप है। सो ऐसे ही ये भी फिफ्थ वार्प के बाद फिफ्थ वेब्ड अप है, सिक्स्थ वार्प के बाद सिक्स्थ वार्प पे सिक्स्थ वेब्ड अप है। ओके ऐसे अभी यहाँ पर देखिए प्लेन व्यू हमने बनाया। प्लेन व्यू आपको पता ही होगा, वन अप वन डाउन वन डाउन वन अप, इसका रिपीट वन अप वन डाउन और वन डाउन वन अप। इसका मतलब 50% वार्प अप है, 50% वार्प डाउन है। 50% वार्प डाउन इज नथिंग बट वेब्ड अप है यहाँ पर। ओके सो ये प्लेन व्यू है। ये ग्राफ मतलब ये जो हम डिजाइन बनाते हैं, कोई भी वी वगैरह बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे ही बनाते हैं हम। जैसे सॉफ्टवेयर में भी हम देखते हैं ग्राफ दिया हुआ है। सो इजीली हम अप डाउन को डिसाइड कर सकते हैं इस ग्राफ पेपर के थ्रू, डिजाइन पेपर के थ्रू। ओके ये जो स्पेसेस को हमें, ये स्पेसेस नहीं है, ये वार्प और वेब्ड है इस ग्राफ पेपर में, डिजाइन पेपर में। और इसको स्पेसेस नहीं बोलते हैं स्क्वायर्स को, ये वार्प और वेब्ड है। वार्प और वेब्ड, इसके अंदर अप मतलब वार्प अप, ऑटोमेटिकली नीचे वेब्ड है। सो इधर वार्प डाउन वन डाउन, इसका मतलब वार्प डाउन हो गया, वेब्ड फेस साइड आ गया। ओके और इसका जो वी बनती है, ये प्लेन वी हमने यहाँ पर दे दी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखते हैं, ये जस्ट इंटरलेसमेंट दिया हुआ है एज पर वार्प और वेब्ड के हिसाब से। वन अप फर्स्ट वेब्ड अप देखते हैं, फर्स्ट वार्प देखते हैं वन अप, नेक्स्ट वन डाउन। डाउन डाउन का मतलब ये है वार्प, ये वाला ये जो वर्टिकल है ये वार्प है, ये बैक साइड डाउन मतलब नीचे चला गया, तो ये वेब्ड है, ये वेब्ड ऊपर आ गया। ओके ऐसे वन अप वन डाउन, यहाँ पे देखो आप, ये वेब्ड है ना, ऑरिजेंटली हम इंसर्ट करते हैं वेब्ड को, ये वर्टिकली हम देखते हैं वार्प को। सो ये इस वेब्ड पर ये वार्प जो है अप हो गया, यहाँ पर ये डाउन हो गया। ओके ये अल्टरनेट वही वीव है, अप डाउन अप डाउन। ओके अप मैंने वार्प अप बोल दिया, मतलब वार्प अप फेस साइड आ गया, डाउन बोल दिया तो वार्प डाउन हो गया, लेकिन यहाँ पर वेब्ड आ गया। ओके इसी चीज को समझना है, जो भी वीव है अप डाउन से ही चलती है। सो ये बेसिक है और इसको समझना है, अगर इसको समझ गए तो आप बाकी भी उसको भी इजीली समझ सकते हैं। तो ये मैं डिजाइन पेपर के बारे में आज इस वीडियो बना रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में जो है प्लेन वीव, और उसके प्लेन व्यू से हम कितना व्यू और बना सकते हैं, वो सब चीजें नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और इसके नीचे क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है। क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है, ये वर्टिकल को हमने यहाँ पर डॉट दिखाया, ये वार्प है, वार्प को हमने डॉटेड दिखाया, और वेब्ड का इंटरलेसमेंट कैसे रहेगा, आप मतलब अपसाइड जो है आप, मतलब आप वार्प अप हो गया मतलब वेब्ड डाउन, और यहाँ पर डाउन वार्प डाउन, यहाँ पर देखो वार्प नीचे आ गया ना, ये ऊपर है ये नीचे है, ये डाउन हो गया, इसका मतलब वेब्ड अप आ गया। वही सेम चीज है यहाँ पे क्रॉस सेक्शन, इसको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। जब आप कपड़े को क्रॉस एंगल से देखते हैं, साइड से देखते हैं, तो आपको ऐसे वीव दिखेगा, ऐसे ही क्रॉस सेक्शन दिखेगा। और ये वेब्ड का दिखाया हमने, यहाँ पर आप वार्प का देख सकते हैं, ये एक्चुअली ये वार्प है, ये वन अप, ओके ये वाला ये अप, इसको आप देखते हैं तो ये अप वार्प अप डाउन, नेक्स्ट पिक पे डाउन। ओके अप डाउन अप डाउन, ये
वर्टिकल साइड क्रॉस सेक्शन है या हॉरिजॉन्टल साइड क्रॉस सेक्शन है, इसी चीज को समझना है हमें। ओके, नेक्स्ट, इस कोई भी वी हम बनाते हैं, कोई भी वी बनाते हैं तो उसका एक रिपीट तो होता ही है, जैसे प्लेन वी है, ए टू बाई टू में भी बन सकती है, इससे कम हम लेते हैं तो वो प्लेन वी नहीं बन पाएंगे। ओके, और इसमें वार्प, मल्टीपल थ्रेड्स को बोलते हैं वार्प, मतलब नंबर ऑफ यार्न्स को, नंबर ऑफ इंडिविजुअल थ्रेड्स को हम बोलते हैं कि, और टोटल नंबर ऑफ थ्रेड्स को मिला के बोलते हैं वार्प, और टोटल नंबर ऑफ पिक्स को मिला के हम बोलते हैं वेप्ड। ओके, बट इसमें ग्राफ पेपर में हमें ऐसे डिवाइड करना होगा, तो एक एक लाइन को डिवाइड करना है, एक एक वार्प लाइन को, जैसे ये स्पेस है, ये हमने यहाँ पर मिला लिया, इस एक सिंगल, ये तो टोटल वार्प है। ओके, ये थ्रेड्स टोटल वार्प है, लेकिन एक सिंगल थ्रेड को क्या बोलते हैं, सिंगल धागे को क्या बोलते हैं, तो वार्प को डिफरेंट नाम से बोलते हैं और वेप्ड को भी डिफरेंट नाम से बोलते हैं। वार्प को बोलते हैं ई एंड, ई एंड डी एंड, वन थ्रेड, एक एंड को बोलते हैं, एक लाइन को बोलते हैं वार्प को एंड, ई एंड डी एंड। ओके, और वेप्ड को बोलते हैं एक वेप्ड को, टोटल तो ये वेप्ड है, लेकिन इसमें एक थ्रेड को बोलते हैं पिक, एंड एंड पिक, वार्प को एंड बोलते हैं, वेप्ड को पिक बोलते हैं। इसलिए कि ये जब ग्राफ पेपर में हम डिजाइन बनाते हैं, कितना एंड्स और कितना पिक्स का रिपीट है, वीव रिपीट कितना एंड्स और कितना पिक्स का रिपीट है, यहाँ पर वार्प नहीं बोलेंगे, कितना वार्प का रिपीट, कितना वेप्ड का रिपीट नहीं बोल सकते हम, इंडिविजुअल थ्रेड्स को बोल रहे हैं, इसलिए इंडिविजुअली वार्प को एंड बोलते हैं और वेप्ड को पिक बोलते हैं। तो इंडिविजुअली एंड्स को जब रिपीट के हिसाब से बात करते हैं, प्लेन वीव कितना एंड्स और कितना पिक्स में बनती है, एंड्स और पिक्स, कितना तार वार्प के है, कितना तार वेप्ड के है, उसको एंड्स और पिक्स बोलते हैं। अब ऐसे बोल सकते हैं, एंड्स को प्लेन वीव टू एंड्स में बनती है और टू पिक्स, मिनिमम रिपीट इसका चाहिए टू एंड्स एंड टू पिक्स, ये ध्यान रखना होगा डिजाइन ग्राफ पेपर में। ओके, ग्राफ पेपर बोल सकते हैं और डिजाइन पेपर भी बोलते हैं और पॉइंट पेपर भी बोलते हैं, और ग्राफ पेपर बहुत तरीके से होती है। जब ग्राफ पेपर में डिजाइन बनाते हैं लोग, तो ये एट स्क्वायर्स के बाद एक डार्क लाइन आ जाएगा, ये डिवाइडेशन के लिए, इजिली काउंटिंग के लिए ये डिवाइडेशन दिया जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर में हम अपने हिसाब से ग्राफ पेपर को 4x4 भी सेट कर सकते हैं, कितना का, कितने स्क्वायर्स के बाद और डार्क थिक लाइन चाहिए, वो हम सेट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर। लेकिन ग्राफ पेपर जब मार्केट में मिलती है, नॉर्मली 8x8 की होती है। जैसे 8x8 कैसे है, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, हर 8 स्क्वायर्स के बाद एक डार्क लाइन दिखती है, और इधर से भी पिक हाइट वाइज भी ऐसे ही है, हर 8 स्क्वायर्स के बाद एक डार्क लाइन, ताकि ये इसे हम इजीली ग्राफ को काउंट कर सकते हैं। ओके, मैन्युअली जो लोग काम करते हैं उनके लिए ये बहुत इजी हो जाएंगे, ये डार्क लाइन से उनका पता लगे इसमें 8 स्क्वायर्स है, वो वार्प साइड भी और वेप साइड भी, एंड एंड पिक्स भी 8 स्क्वायर्स है। ओके, इसी से हमें पता लगता है कि हमें कितना का रिपीट बनाना है, वीव कितने की रिपीट आती है, और नंबरिंग भी कर सकते हैं हम नीचे, इधर स्मॉल नंबरिंग भी, डाउन साइड और अप साइड। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही है, एक ग्राफ पेपर और डिजाइन पेपर बोल सकते हैं और पॉइंट पेपर। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं प्लेन वीव एंड प्लेन वीव से हम कितने सारे वीव बना सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि नोटिफिकेशन मिल जाएगा हर वीडियो के, नए वीडियो बनाते ही। ओके, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू सो मच।